भारतीय टीम पर टूटा दुखों का पहाड़, अभी अभी इस खिलाड़ी ने की आत्महत्या। दोस्तों, अगर आप भी इस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत की अगली श्रृंखला श्रीलंका के साथ होनी है। इस श्रीलंका की सीरीज में भारतीय टीम में 3 ODIs और 3 T20I मुकाबले खेलेगी। पहले भारतीय टीम में 3 T20I मुकाबले खेलेगी और उसके बाद भारतीय टीम में 3 ODI मुकाबले खेलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि T20I श्रृंखला का पहला T20I मुकाबला 3 जनवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। दूसरा मुकाबला 5 जनवरी को, वहीं तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा। T20I श्रृंखला के लिए BCCI ने भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी है। दोस्तों, इस सीरीज से पहले भारतीय टीम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की मां का कल रात देहांत हो गया। सुनील गावस्कर के दुख को बटाने के लिए कई भारतीय खिलाड़ी उनकी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उनका दुख साझा किया। तो दोस्तों, सुनील गावस्कर साहब की मां की शांति के लिए आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें।